नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जमीन हमेशा से इतनी जली हुई, प्यासी और बंजर नहीं थी। एक जमाना था जब बादलों के काफिले यहां भी डेरा डाला करते थे और ये जमीन सब्ज ओढ़नी ओढ़ लिया करती थी। अंकुर यहां भी फूटते थे, फूल भी खिलते थे। और फिर एक दिन यहां एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। लोग कहते हैं दो चाहने वालों को यहां के लोगों ने मिलने नहीं दिया, उनके पवित्र प्रेम को पाप समझकर उन्हें मार डाला। जिस दिन दो मासूम दिलों का खून इस जमीन पर पड़ा, उसी दिन से इस जमीन की सब जोड़नी पीली पड़ने लगी, क्योंकि बादलों ने इधर से गुजरना ही छोड़ दिया। पेड़ पौधे जलने लगे, कुओं का पानी सूख गया और यह हरी भरी जमीन बंजर हो गई। बस्तियां वीरान हो गईं, लोग इस इलाके को छोड़कर दूर दराज के गांवों में जा बसे। अब इन बूढ़े चेहरों से झांकती हुई वीरान और निराश आंखों के सिवा यहां कुछ नहीं। ये लोग आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि शायद बादलों का कोई टुकड़ा ऋतुराज का दूत बनकर आ जाए और तपती हुई रेत से इस धरती को मुक्ति दिलाए। यहां का गाड़ी रोकी सरजू? मैं अभी आया। अरे तुम कहां जा रहे हो? कुंवर साहब, ऊपर आप मड़ी देख रहे हैं, यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, ठाकुर बाबा। यहाँ से गुजरने वाला कोई भी आदमी उनके पांव छुए बगैर आगे नहीं जाता। मेरी मानिए हुकुम, तो आप भी चलकर इनका आशीर्वाद ले लीजिए। What bloody nonsense, सरजू, मैं इन चीजों को नहीं मानता। ये आप क्या कह रहे हैं हुकुम, वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है भाई। होंगे, जाओ तुम हो अब। ठीक है हुकुम। कमाल है साहब, आज की तारीख में भी लोग इन बातों को मानते हैं। Go away, fly. पहले तो कभी नहीं देखा। बाबा, ये कुंवर जी हैं, मेरे साथ आए हैं, लेकिन ये ऊपर कैसे आ गए? तो सूरज हो। सूरज? हाँ सूरज, तुम वापस आ गए, हमें क्षमा करने के लिए लौट आए। हमें माफ कर दो सूरज। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं सूरज नहीं हूं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं नहीं, तुम सूरज ही हो, हमारी बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। कब से हम दोबारा इंतजार कर रहे हैं, हम आज तक इसी दिन के लिए जिंदा हैं। हमारी देवी कहाँ है? देवी? हाँ हमारी बच्ची, तुम आ गए हो तो वो क्यों नहीं आई? उसे कहाँ छोड़ आए? उसने हमसे वायदा किया था कि वो तुम्हारे साथ आएगी। कहाँ है हमारी बेटी, कहाँ है हमारी बच्ची? साहब आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं कुछ सूरज नहीं हूँ। नहीं, मेरा तुम तो सूरज ही हो। बाबा ये वो नहीं है, आप समझ नहीं। मैं जानता हूँ सूरज ही है। सूरज, सूरज बेटा, हमें इस तरह छोड़ के मत जाओ। ये तो बता दो कि हमारी बेटी कहाँ है सूरज। बाबा पहुंचो। साहब सरजू, तुमसे पहले कहा था सब नॉनसेंस है, ये बाबा मुझे सूरज क्यों बुला रहा था? अरे हुकुम, ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ये जितने सिद्ध लोग होते हैं, इनकी बातें हमारी तुम्हें नहीं आ सकती। शट अप सरजू, 21वीं सदी आ रही है, तुम लोग इन चीजों पे अभी विश्वास रखते हो? रिडिकुलस। चलो घर लो। राणा, मेरा ये घोड़ा तेरा हाथी खा गया। अरे तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि घोड़ा वेजिटेरियन होता है? अगर तुमने मेरे हाथी को हाथ लगाया तो तुम्हारी बाजी मात हो जाएगी। दोस्तों के साथ खेलने में यही खराबी है कि आदमी चौकन्ना नहीं रहता। हारे भी तो किसे दोस्त से, घी कहाँ गया खिचड़ी में। नमस्ते भाई साहब, सदा सुहागन रहो। कुमार आ गया? आपको क्या फिक्र, आप तो सिर्फ शतरंज खेलिए, आपको तो कुमार की जगह शतरंज का बाप होना चाहिए था। भाई ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था। वो क्या है, हर मेजेस्टी क्वीन ऑफ माय हार्ट, भाई अब हमारे पास हारने जीतने के लिए सिर्फ शतरंज की रणभूमि रह गई है। राजपूत हैं, लड़ना तो छोड़ नहीं सकते,
और फिर बेटा आ रहा है, कौन सी मुगलों की फौज आ रही है जो तैयारी करूं। तुम चलो, मैं बाजी पूरी करके आता हूं। चुक 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 बेटा, ये कैसी पढ़ाई है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। माँ तरस जाती है अपने बेटे का मुखड़ा देखने के। पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म, अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक। आओ बेटा आओ। बहुत दिनों के बाद दादी। अरे आओ कुमार। जीते रहो। जी नमस्कार अंकल। जीते रहो बेटे। भाई बड़ा इंतजार कराया तुमने, मैं तो तुम्हारी पढ़ाई से बोर हो ही गया था। नेहा बेचारी अलग बोर हो रही है। कम ऑन अंकल, नेहा बोर कर सकती है, वो बोर हो नहीं सकती। हाय एवरीबॉडी। लो आगे। तो शहजादा गुलफाम आ ही गए, क्या मैं पूछ सकती हूँ मिस्टर कि आपने आने में इतनी देर क्यों की? वो हुआ यूं कि मैं बाहर सरजू से पूछ के आ रही हूँ। ना तो कोई गाड़ी का टायर फ्लैट हुआ है, ना ही कोई एक्सीडेंट, और गाड़ी के इंजन में भी कोई ट्रबल नहीं। करेक्ट भाई, करेक्ट करेक्ट, लेकिन मैं जानबूझ कर लेट आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी इस बकबक से बचा रहा हूँ। इसे कहते हैं शे और मात नेहा बेटे। जी नहीं डैडी, यू आर सैडली मिस्टेकन। ये बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और तुमने मेरे लास्ट लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? अरे नहीं दिया भाई, नहीं दिया। भाई इन दोनों को लड़ने दो, चलो हम स्टडी में चलते हैं। बहादुर शतरंज वहां ले आना। आप लोग चल यार। बेटा जी, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। जी कुमार जी, ये तो बताओ तुम्हारा वहाँ किसी लड़की वड़की से चक्कर तो नहीं चला? मैं वहाँ पढ़ाई करने गया था, लड़कियों के साथ चक्कर चलाने नहीं गया था। अच्छा तो फिर अपना सूटकेस खोल के दिखाओ। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हें बचपन से अच्छी लगने वाली हर चीज की तस्वीर बनाने की आदत है, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि इन चार सालों में तुमने कितनी लड़कियों की तस्वीरें बनाई। मैंने इन चार सालों में ना किसी लड़की की तस्वीर बनाई है और ना किसी पेड़ की तस्वीर बनाई है, समझे? मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोलते, इसलिए तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अच्छा तो फिर कल तुम मेरी तस्वीर बनाओगे? अच्छा बाबा बनाऊंगा, दिमाग मत खा। तुम्हें याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, एक फोटोग्राफर हमारी ग्रुप फोटो लेने आया था। मैं उस फोटोग्राफर को लगातार हंसा रही थी और वो कितना नाराज हो रहा था। और कितनी देर ऐसे बैठना पड़ेगा कुमार, डेढ़ घंटे से बैठी हूँ, बैठे बैठे बोर हो गई। मेरा पोस्ट तो ठीक है ना यार, कुछ तो बोलो, इतना कॉन्सेंट्रेशन, लगता है कि जैसे कोई मास्टरपीस पेंटिंग बना रहे हो। अच्छा ये तो बताओ, मैं तुम्हारी पेंटिंग में लग कैसे रही हूँ? मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती, तुमने आंख उठाकर मेरी तरफ देखा भी नहीं, अब ये तस्वीर कैसे बना रहे हो? देखो तो जरा, ये क्या बना दिया तुमने? किसकी तस्वीर है ये? कुमार कुमार, ये किसकी तस्वीर है? ये किसकी तस्वीर बन गई? तुम्हें क्या बनाई और तुम्हें नहीं मालूम? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया। मैं तो तुम्हारी तस्वीर बना रहा था, फिर ये। रेशमा रेशमा, तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? क्यों? बाबा कितने परेशान है, कब से ढूंढ रहे हैं तुझे, चल जल्दी। तू कहाँ चली गई थी बेटे? मैं सुबह से तुझे तलाश कर रहा हूं। इस तरह मत जाया कर, मत जाया कर बेटी, तू तो जानती है तो पल भर भी मेरे सामने नहीं होती तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। इसमें परेशान होने की क्या बात है बाबा? तेरी माँ जिंदा होती तो बात और थी। तू छोड़िए बाबा, चलो। सरदार तुम रेशमा के लिए परेशान क्यों हो जाते हो? तुम तो जानती हो अंबिका, हर पूनम की रात को रेशमा एक भयानक सपना देखती है, और आज फिर पूनम की रात है। अंबिका तुम तो जादू टोना ज्योतिष विद्या जानती हो, ये क्यों नहीं बताती कि ये रात रेशमा के लिए भयानक सपने की रात क्यों होती है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता सरदार, हम उदयपुर के उत्सव में तो जा ही रहे हैं, वहां जैसलमेर से साधु सिंह के कबीले में कोझा भी आएगा, हम रेशमा को उसी को दिखाएंगे। नहीं 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 अंबिका, उदयपुर तो हम राणा जी की समाधि पर माथा टेकने जा रहे हैं, जहां देश भर से बंजारे आएंगे। मैं उनके सामने अपनी बेटी को लेकर तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता, मुझे भगवान पर भरोसा है वही उसे ठीक करेंगे। बस आज की रात शांति से गुजर जाए।
बेटी क्या क्या हुआ बेटी? फिर वही सपना बाबा, फिर वही सपना। पूनम की रात को आखिर मुझसे क्या दुश्मनी है? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। सपनों से क्या डरना, आंख खुली सपना खत्म। तुम्हें कुछ क्यों नहीं दिखाई देता? मुझे तो लगता है सरदार इसमें जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। क्यों ना हम इसे उदयपुर ले जाकर उसी ओझे को दिखाए? नहीं नहीं, मैं किसी ओझा ओझा पर विश्वास नहीं करता। उदयपुर जाते हुए तो नहीं, लौटते दफे हम ठाकुर बाबा के दर्शन जरूर करेंगे। मुझे तो लगता है उन्हीं के आशीर्वाद से अब रेशमा ठीक होगी। हम सुबह होते ही यहां से कूच कर जाएंगे। आइए, आपका स्वागत है, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। कहो सरदार डोंगर सिंह, कैसे हो? अजी भाई मानिक सिंह जी, ये 400 साल पुरानी वफादारी की गठरी का बोझ सर पे उठाए उठाए कब तक भटकेंगे? सरदार डोंगर सिंह, हम सिर्फ इसलिए भटक रहे हैं कि हमें देखकर लोगों को ये पता चल सके कि इस देश में वफादारी नाम की भी कोई चीज हुआ करती थी। इसीलिए हर साल इस महोत्सव पर हम यहां मिलते हैं। राणा खानदान के लोग आज भी हमारा एहसान मानते हैं, क्योंकि जब बड़े राणा जी मुसीबत में थे तो हमारे बुजुर्गों ने ही उनका साथ दिया था। यही हमारी पहचान है। जिस दिन ये पहचान खो गई, हम भी खो जाएंगे। आओ आओ बेटी, आओ इधर दो। जीती रहो। आओ आओ सरदार, बैठो। मानिक सिंह, ये बच्ची अपनी रेशमा है ना? हाँ। देखते देखते दिनों में कितनी बड़ी हो गई। अरे भाई, कुछ शादी ब्याह का सोचा इसकी? सोचता तो हूं, लेकिन अपनी बीमार बेटी को किसी कबीले की बहू बनाकर कैसे भेजूं? क्या बीमारी है इसे? वैसे तो बीमारी भी नहीं कहना चाहिए। पूनम की रात को ये कोई भयानक सपना देखती है और फिर महीने भर वो सपना उसे परेशान करता है। भाई मेरी बात मान, इसका ब्याह कर दे, सब बीमारी दूर हो जाएगी और मैं इसके साथ अपने बेटे शक्ति सिंह की शादी करने को तैयार हूं। दहेज में सब भयानक सपने ले जाऊंगा। हाँ। सोचते क्या हो सरदार, जानते नहीं इनके बेटे ने एक दफा खाली हाथों से शेर मारा था, इसलिए तो शक्ति सिंह नाम पड़ा। ये तो मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी सरदार डोंगर सिंह जी, लेकिन शादी का फैसला तो रेशमा ही करेगी। आप एक काम कीजिए, कल शक्ति सिंह को यहां मेरे डेरे पर भेज दीजिए, दोनों एक दूसरे को देख लेंगे, ये काम और आसान हो जाएगा। मैं उसे कल सुबह ही भेज दूंगा। प्रणाम सरदार। जीते रहो। मैं शक्ति सिंह हूँ, सरदार डोंगर सिंह का बेटा। बाबा ने आपसे मिलने भेजा है। हाँ, आओ अंदर चलकर जलपान करो। आओ। सरदार मैं जलपान करने नहीं आया, रेशमा से मिलने आया हूँ। रेशमा कहाँ है? रेशमा भी आ जाएगी, तुम चलो बैठो तो सही। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। अरे वो काले अंगूर की औलाद, इस कुर्सी पर बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं क्यों पहचानू, तू जैसे चप्पड़ कनाती हो फुट कुर्सी से। अरे मेरी बात सुनो। अंगूर नीचे रख, नीचे रख। देख तू मेरा अपमान कर रही है। तेरा अपमान ना करूं तो क्या सत्कार करूं? तू ताश की गड्डी से निकल कर यहाँ आया कैसे? ताश की गड्डी? हाँ, क्या तू चिड़ी का गुलाम नहीं है? चल चल फूट यहाँ से। बकवास बंद कर, जानती है मैं कौन हूँ? कौन है तू? मैं सरदार डोंगर सिंह का बेटा और इस कबीले का होने वाला जवाई शक्ति सिंह हूँ। अरे वो घूंचू, मेरे बाबा अपनी इकलौती बेटी को तो जैसे चिड़ी मार से बिहाएंगे क्या? अब जाता है कि मैं... अरे ये तुम क्या कर रही हो बेटी? मैं इसे मार डालूंगी बाबा,
इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारी कुर्सी पर बैठकर तुम्हारा हुक्का पी? अरे बेटी, इसे मैंने ही यहाँ बुलाया है। मैं चाहता था तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो, ताकि तुम्हारे रिश्ते की बात। क्या बाबा, तुम्हें मेरे लिए चूहा ही मिला था? ये चूहा? अरे मैंने इन्हीं हाथों से शेर मारा है, शेर। क्या? क्या क्या कह रही तू? गाली दे रही हूँ बाबा के सामने, तो जोर से नहीं बोल सकती हूँ ना। जितनी मर्जी गालियां दे ले, लेकिन जब मेरी दुल्हन बनकर मेरे कबीले में आएगी ना, तब देखूंगा कैसे देती है गालियां। अच्छा बाबा, चलता हूँ। अच्छा जी, तेरा मुंह देखो, शादी करने चला है बंदर। बंदर? फिर क्या? ये सवेरे सवेरे आपके बरखुरदार कहाँ चले गए? यहीं कहीं होगा, लो आ गया। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटी। आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे बेटे? अजीब सी बात हुई, सवेरे जब मेरी आंख खुली तो एक लड़की बड़ी सुरीली आवाज में गा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं उसी आवाज को तलाश करता हुआ बड़े बाग की तरफ चला गया। तो मिली वो आवाज? नहीं, जब वहां पहुंचा तो लड़की गायब थी। स्ट्रेंज। इस उम्र में अक्सर ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं बरखुरदार, पर उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि खुद उनको अपने पीछे भगाना चाहिए। लगता है आपको अपनी वो उम्र याद आ रही है। आजकल बंजारों के कई कबीले यहाँ आए हुए हैं, लगता है कोई बंजारन गा रही होगी। वो लोग बहुत अच्छा गाते हैं। बंजारन? उनकी आवाज में हमारे रेगिस्तान की आत्मा है। ये बंजारे यहाँ क्यों आए हुए? बेटे वो हर साल यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं और बड़े राणा जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और हम भी उनकी खुशी में शामिल होते हैं। बड़े राणा जी के बुत के सामने वाले मैदान में आज बंजारों का उत्सव है। आज तुम भी हमारे साथ चलना बेटे। मैं नहीं, आज तुम्हें बाहर खाने पे जा रहा हूँ। और फिर ऐसे फालतू प्रोग्रामों के लिए वक्त किसके पास है? बेटे ऐसा नहीं कहते, वो इतनी दूर से आते हैं, हमारी इतनी इज्जत करते हैं, हमारा फर्ज है कि उनके हर प्रोग्राम में हम शामिल हों। लेकिन डैड, दिन में ना सही पर आज रात को उनके नाच गाने का प्रोग्राम है, और खास तौर से तुम्हें बुलाया है, हम सबको वहां शामिल होना चाहिए। बहुत अच्छे। इधर आओ बेटी। जीती रहो, बहुत अच्छा गाती हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी रेशमा। अरे ये लो। ये क्या रानी माँ? तुम्हारा इनाम, ये लो। बंजारन दोनों मेरे लिए पहली है। तो बिना उस लड़की को देखे तस्वीर कैसे बन गई? यही तो सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ। गौर से देखो तस्वीर को, गौर से देखो। ये चेहरा तो वही है, लेकिन ये वो बंजारन नहीं है। ये जेवर, ये कपड़े, ये तो फिर ये तस्वीर किसकी है? यही तो मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ कभी नहीं बोलता नेहा। जिस दिन मुझे इस तस्वीर की असलियत मालूम पड़ जाएगी, सबसे पहले मैं तुम्हें आके बताऊंगा। याद रखना। आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। अच्छा रेशमा, किसने कहा था तुम्हें कल कुंवर के साथ नाचने गाने के लिए? नाचने गाने के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत है? जरूरत है। आज के बाद तुम कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगी। क्यों, तुम क्या फौजदार लगे हुए हो? मेरी तुम्हारे साथ शादी होने वाली है। अच्छा अच्छा, ये मुझसे शादी करेगा? कभी शक्ल देखी अपनी? अरे अंबिका सरदार, देखो तो आज रेशमा कितनी खुश नजर आ रही है। हाँ, लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर के लिए है। क्यों सरदार? आज फिर पूनम की रात है। आज रात रेशमा फिर वही भयानक सपना देखेगी, और उसके बाद फिर उसकी वही हालत हो जाएगी। Thank you.
बाबा बाबा सवेरा हो गया बाबा। सवेरा? हाँ बाबा सवेरा, पूनम की रात का सवेरा। मैं रात भर गहरी नींद सोई, कोई सपना नहीं देखा। अच्छा? मैं उस सपने के कैद खाने से आजाद हो गई बाबा। भगवान का लाख लाख शुक्र। रेशमा हाँ? जानती है माँ भवानी ने ही तुझे इस भयानक सपने से छुटकारा दिलाया। बड़े मंदिर जा, माँ के दर्शन कर और उनका आशीर्वाद ले। जल्दी कर। तुम्हारे कपड़े तो खराब हो गए, क्षमा करना बेटी। नहीं, इसमें आपकी गलती क्या है? गलती तो उस ड्राइवर की है। तुम रेशमा हो ना? कल हमारे बेटे के साथ उत्सव में गाना गा रही थी, तो तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ, बदल लेना। नहीं नहीं, मैं डेरे पर जाकर बदलूंगी। इसका मतलब तुमने हमें माफ नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं रानी माँ, बाबा मेरा रास्ता देख रहे होंगे। ओह, इसके बाबा से कहना ये हमारे साथ जा रही है, हमारी गाड़ी इसे डेरे तक छोड़ देगी। जी अच्छा रानी माँ। अच्छा चलो। हाँ चलो, चले। मतलब पहचान लिया तुमने कुंवर जी को? इन्हें कैसे नहीं पहचानेंगे रानी माँ हुकुम? अभी कल की ही तो बात है, कैसे झूम के नाच रहा था तुम लोगों के साथ। आओ बेटी आओ, आओ बेटी अंदर आओ। ये तुम्हारे रंग से मेल नहीं खाती, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ ये अच्छी रहेगी, बहुत सजेगी तुम पर। ले पहन ले बेटी। और इन्हें भी पहन ले। नहीं रानी माँ, ये सब मुझे। अरे बेटी पहन ले, बहुत अच्छी लगेगी तो इन्हें पहनकर। पहन ले बेटी, मैं अभी आती हूँ। मुंह उधर कीजिए कुंवर जी, मुझे कपड़े बदलनी है। ऐसे क्या देख रहे हैं कुंवर जी? क्या क्या पहचाना नहीं? पहचानूंगा क्यों नहीं, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगी। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे बरसों से मुझे ढूंढ रही हो, और जब मैं एकदम मिल गई तो हैरान रह गए। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं अपने एक दोस्त की तस्वीर बना रहा था, और अब मैं जो कहूंगा तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं नहीं, आप जो कहेंगे मैं उस पर यकीन करूंगी। तब तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था, जब वो तस्वीर पूरी हुई तो वो तस्वीर उस लड़की की नहीं थी, उसमें चेहरा तुम्हारा बन गया। मेरा? वही तो, लेकिन उसमें तुमने बंजारों जैसे कपड़े नहीं पहने थे। ये कपड़े इसे मैंने पहनाए हैं बेटा। अरे तुम तो एकदम बदल गई हो कुमार जी। इसे देखकर कोई कह सकता है कि ये बंजारन है? बंजारन तो मैं हूँ ही माँ जी हुकुम, जब मैं अपने डेरे पर जाकर कपड़े बदलूंगी तो फिर वही बंजारन बन जाऊंगा। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें हमारा ड्राइवर छोड़ के आएगा। माँ इस वक्त नीचे कोई ड्राइवर नहीं है, मैं वहां से गुजरूंगा, उन्हें छोड़ दूंगा। अच्छा माँ जी। आइए।
तुम बार बार क्या देखती रहती हो? आप सपने देखते हैं? उल्टे सीधे सपने तो सभी देखते हैं। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रही हूँ, किसी खास सपने की बात कर रही हूँ जो आकर आपकी आंखों के दरवाजे खटखटाता रहता हो। नहीं, मैं तो ऐसे सपने नहीं देखता। फिर आपने मेरी तस्वीर कैसे बना ली? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था। मुझसे? हाँ, मैंने जब पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं तो मैंने वो तस्वीर कैसे बना दी? और फिर जब समारोह में तुम्हें देखा तो मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया। समारोह में तो आपको देखकर मैं भी चकरा गई थी। वो क्यों? क्योंकि मैं बचपन से एक सपना देखती चली आ रही थी और उस सपने में सिर्फ आप ही आते थे। मैं? तुम्हारे सपने में? हाँ, फिर जब मैंने आपको समारोह में देख लिया उसके बाद वो सपना नहीं देखा। कमाल है, मैंने तुम्हें देखे बिना तुम्हारी तस्वीर बना ली और तुम मुझे देखे बिना बचपन से मुझे अपने सपनों में देखती चली आ रही हो। इसका मतलब क्या हुआ? कौन हो तुम, कौन हूं मैं? हम अपनी पहचानों से कहां बिछड़े, क्यों बिछड़े, कब बिछड़े? अगर ये मालूम होता तो ना आप मेरी तस्वीर बनाते और ना ही मैं आपको सपनों में देखती। रेशमा, ये तो बताओ, तुम्हारे बाबा बुरा तो नहीं मान गए? किस बात का? अरे मैं जो तुम्हारे साथ नाचा गाया। नहीं। और तुम्हारे कबीले वाले? अरे उनकी परवाह कौन करता है। अरे वाह, बड़ी हिम्मत वाली लड़की हो। सरदार की बेटी हूँ। हाँ, मालूम तो पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले जब मैं सोकर उठा तो किसी लड़की की गाने की आवाज सुनाई थी। जब मैं महल के पीछे वाले बाग में गया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कल जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो ऐसा लगा जैसे वो तुम ही गा रही थी। जी हाँ, मैं ही गा रही थी। वो गाना तो जब से मैंने होश संभाला है गा रही हूँ, मगर अब उसकी जरूरत नहीं रही। क्यों? अच्छा वो गाना क्यों गाती थी तुम? किसी के इंतजार में। और अब क्या हो गया? मुझे लगता है अब वो इंतजार खत्म हो गया है। किसका इंतजार? आपको नहीं मालूम? नहीं। आपका। किसको छोड़ने आए थे कुंवर जी? आपसे मतलब? मतलब है हम बंजारों की लड़कियां इतनी सस्ती नहीं है कि आप उन्हें इस तरह गाड़ियों में घुमाते फिर। आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ उसे छोड़ने आया था। आज के बाद रेशमा इस गाड़ी के अंदर नजर नहीं आनी चाहिए, समझे? क्यों? वो तुम्हारी जागीर है। जागीरें तो आजकल ठाकुरों के पास भी नहीं रही हैं। आज के बाद मैं उसकी परछाई के पास भी तुम्हारी जीप को नहीं देखना चाहता। बकवास बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। अच्छा, अरे कोशिश करके तो देखो, आओ लगाओ हाथ। अपनी औकात में रह चुका हूँ। अरे शक्ति बावला हो गया क्या? जानता नहीं कौन है हुकुम? माफी चाहूंगा सरकार, ये आपको पहचानता नहीं। अरे डेरे में चल बावले, क्या हो गया तुझे? एक लड़की को तू काबू नहीं कर सकता और क्या करेगा जिंदगी में तू? मैं क्या करूं बाबा, जब भी बात शुरू करता हूँ कटार की तरह खिंच जाती है। और खाली हाथों शेर को मार डालने वाला शक्ति सिंह वो कटार देखकर डर जाता है, भाग जाता है। लड़की और शेर में फर्क होता है बाबा, फिर ऐसा क्या उस रेशमा में? कौन से सुरखाव के पर लगे उसमें? सुरखाव क्या चीज होती है? रेशमा को हीरे जवाहरात के पर लगे हुए हैं, उसके बाप के पास बेशुमार दौलत है, पुराने जमाने के बहुत ही कीमती हीरे हैं जो कि तुम्हें रेशमा के दहेज में मिल सकते हैं। उसके बाद हम इन्हीं राणों के सामने इनसे बड़ा और शानदार महल बनाकर ठाट से रहेंगे। बेटा मेहनत कर, मेहनत, रेशमा को हाथ से मत जाने दे, वरना तो जिंदगी भर पछताएगा। अरे आज तो मेरी रेशमा बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। कहां से आ रही है तू? बड़ी हवेली से। बड़ी हवेली? हाँ। और ये कपड़े रानी माँ ने दिए हैं, वो बहुत अच्छी है। वो तो अच्छी है ही,
मैं तो कल ही समझ गई थी जब उन्होंने अपने गले का हार निकाल कर तेरे गले में डाल दिया था। भला कौन करता है सब कुछ आजकल, पर तेरे मुख पे जो आज चांद निकला है ना, वो सिर्फ इन कपड़ों का तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है इन कपड़ों के पीछे और भी कोई बात है। क्या बात है? वही राज मैं बताने आई हूँ अंबिका। क्या राज है वो? मैं अपने सपने में जिसे देखा करती थी वो यही कुंवर जी है। कुंवर जी? हाँ वही तो। मैं तो उन्हें उस समय देखते ही पहचान गई थी, मगर आज जब मैंने उन्हें हवेली में देखा और वो मुझे यहाँ छोड़ने आए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ। और फिर उन्होंने मुझे अपनी एक बात बताई, मैं तो हैरान रह गई। तुम भी नहीं मानोगी इस बात को। अच्छा क्या बात है? वो मुझे मिलने से पहले ही उन्होंने मेरी एक तस्वीर बनाई थी। तेरी तस्वीर? हाँ, वो खुद हैरान है कि मुझे देखे बिना वो तस्वीर कैसे बन गई। इसका क्या मतलब है अंबिका? पता नहीं, मुझे सोचने दे, मुझे देखने दे। वो आदमी जो तेरे सपने में आता था वो कुंवर जी है। उन्हें देखने के बाद तुझे वो सपना नहीं आया और तुझे देखे बिना उन्होंने तेरी तस्वीर बना दी। इसके पीछे जरूर कोई कहानी है, तुम दोनों के मिलन की अधूरी कहानी। मुझे ऐसा लगता है रेशमा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इस दुनिया की कोई भी शक्ति अब तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। ये क्या? लगता है बहुत जोर से आंधी आने वाली है। घबराओ मत, थोड़ी देर में रुक जाएगी। बेचारा बोल नहीं सकता। अरे, ये क्या कर रहे हैं बाबा? मैं तो तुम्हारी बेटी समान हूँ। बहुत प्यास लग रही है। बाबा पानी मिलेगा? पानी? ये हवेली किसी जमाने में बड़ी शानदार रही होगी। ऐसी वीरान हवेली में ये अकेला रहता? बाबा आंधी खत्म हो जाएगी, हम चले जाएंगे। थैंक यू। क्या कहना चाह रही है? मालूम नहीं। ये तो मेरे बाबा, ये किसकी तस्वीर है? ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने तुम्हें बिना देखे बनाई थी। जो तस्वीर मैंने बनाई थी रेशमा, वो तुम्हारी नहीं, इस लड़की की थी। कहीं ऐसा तो नहीं रेशमा, जैसे वो तस्वीर वाली लड़की तुम नहीं हो, वैसे ही तुमने मुझे नहीं किसी और को देखा सपने में? नहीं कुंवर जी, मैं तो सपने में सिर्फ आपको ही देखती थी। इसके पीछे जरूर कोई राज है। ये तूफान शायद हमें यहां इसलिए लाया है ताकि हम ये तस्वीर देखें और अपनी पहचान तलाश करें।
मुझे डर लग रहा है कुंवर जी, ये कैसे जगह है और वो आदमी कहाँ गया? गिर जा, क्या बात है, क्या कहना चाहता है? हवेली समझा नहीं? नहीं समझा? क्या देवी आई है, हमारी बेटी आई है, साथ सूरज भी है। हम जानते थे कि ये दोनों एक दिन जरूर आएंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। चल, आज वर्षों के बाद मैं अपनी बेटी से मिल सकूंगा। चल जल्दी चल। कहाँ हैं दोनों? मगर किधर हैं? चिंता ना कर गिरजा, अब तो उन दोनों ने दूसरा जन्म ले ही लिया है। एक न एक दिन अतीत उन्हें खींच कर यहां ले ही आएगा। और फिर सूरज तो एक बार समाधि पर भी आया था, अब तो कहता है कि देवी भी उसके साथ थी। अब तो उन्हें दूसरा जन्म ले ही लिया है बेटी। सूरज को लेकर एक बार हमारे पास आ जा, ताकि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। कैसे अजीब लग रहा है ना, अभी कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जानते कैसे नहीं थे, मैं तो आपको तब से जानती हूँ जब से सपना देखना शुरू किया। और आप भी अगर मुझे ना जानते होते, मेरी तस्वीर कैसे बनाती? पर हम लोग एक दूसरे को मिले बिना कैसे जानते थे? अरे इसी को तो प्यार कहते हैं रेशमा। नदी जब पहाड़ों से उतरती है तो उसे ये पता थोड़ी होता है कि उसे सागर से मिलना है। वो तो सागर को जानती भी नहीं, मगर दौड़ती सागर की तरफ ही है। ऐसे ही हम एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे, और अब ऐसा लगता है कि हमने तो मिलने के लिए ही जन्म लिया था। अब हम बिछड़ेंगे तो नहीं? हम बिछड़ने के लिए थोड़ी मिले। फिर भी एक अनजाना सा डर लगा रहता है। कैसा डर? इस तरह चोरी छुपे मिलने का डर। फिर एक दिन मेरा डेरा यहाँ से कूच कर जाएगा और आपका महल यहीं खड़ा रह जाएगा। मैंने तुमसे प्यार किया है, मेरे महल ने तुमसे प्यार नहीं किया? लेकिन जब मेरे कबीले वालों को और आपके घर वालों को पता चलेगा तब क्या होगा? अरे उन्हें तो पता चलना ही है, पता चले बगैर हमारा मिलन तो ही नहीं सकता। बात समझने की कोशिश कीजिए कुंवर जी, महल तो खैर अभिमानी होते ही है, हमारे कबीले भी कम अभिमानी नहीं होते। प्यार भी बड़ा अभिमानी होता है रेशमा। अरे जो होगा देखा जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो हीरों का जुगनू कहाँ है? बस सरकार, वो भी कल परसों तक आ जाएगा। क्या है कि इस काम का खास कर एक काम में देर नहीं होनी चाहिए। नया बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। लड़का तो तुमने अपनी पसंद का चुन ही लिया है, अब जेवर भी चुन लो। हाँ क्या हुआ बेटी? बात ये है डैडी, अब जेवर खरीदने में पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? ये शादी तो होने वाली नहीं। ये तू क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ डैडी, कुंवर तो उस दो टके के बंजारन के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा ही सोचते रहिए। नहीं, कुंवर ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि स्वाभिमानी राजपूत यह जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सारा शहर जानता है कि कुंवर की शादी तुझसे तय हुई है,
इसलिए सिर्फ तुझी से होगी। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं राणा को उसके कौल से फिरने नहीं दूंगा। आओ आओ रणजीत सिंह आओ, खूब वक्त पर आए। देखो भाई, ये कैस्परोव कारपोव का गेम है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कारपोव ने सिक्स गेम में प्यादे को आगे कैसे बढ़ा दिया। अपनी बाजी जीतने के लिए तो लोग अपना वजीर तक पिटवा देते हैं, राणा उदय भान सिंह सिसोदिया। मैंने तो सोचा था कि हमारी दोस्ती ने हमारी खानदानी दुश्मनी को दफन कर दिया है, लेकिन अब पता चला कि सिसोदिया राजपूत दोस्ती को भूल सकता है, दुश्मनी को नहीं। तुम लोग सिर्फ दुश्मनी निभाने के लिए ही जिंदा रहते हो। तुम ये क्या बक रहे हो रंजीत? मैं ठीक कह रहा हूं राणा, तुमने मुझे इस मुगालते में रखा कि कुमार का ब्याह नेहा के साथ होगा, लेकिन यह आवाज तुम्हारे दिल की नहीं थी। हमें जलील करने के लिए तुम ये सब घटिया खेल खेलते रहे। रंजीत, आवाज ऊंची मत करो राणा। तुमने जब यह देख लिया कि यह बात सारी राजपूत बिरादरी में फैल चुकी है कि मेरी बेटी का ब्याह तुम्हारे बेटे से तय हो गया है, तो तुमने अपने बेटे को उस बंजारन लड़की से इश्क करने की छूट दे दी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बात शहर का बच्चा बच्चा जानता है राणा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि सिसोदिया खानदान का चश्मो चराग इस तरह अपने खानदान की मान मर्यादा को सड़क की गंदी नाली में कतीलता फिरेगा। ये जानते हुए भी कि हम एक शरीफ राजपूत घराने में तुम्हारी शादी तय करने का फैसला कर चुके हैं, तुमने एक बंजारन से इश्क करने की बदतमीजी की। डैडी, मैंने कब कहा कि मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ या उसे शादी करूंगा? तुम होते कौन हो ये कहने वाले? ये कहना हमारा काम है कि तुम किससे शादी करोगे, और उसे मानना तुम्हारा फर्ज है। इश्क तो एक खिलवाड़ है जिसके लिए हम तुम्हें माफ भी कर सकते हैं, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम अपने बेटे को एक बंजारन से शादी करने की इजाजत दे देंगे? आपका गुस्सा सर आंखों पर डैडी, लेकिन हम राजपूतों की परंपरा ये भी है कि हम अपने सर पे आबरू की पगड़ी बांधते हैं, और अगर वो पगड़ी जाती है तो उसके साथ हमारा सर भी जाता है। ये मत भूलो कि हमारे मरने के बाद ये हवेली तुम्हारी होगी, और जब तक हम जिंदा हैं इस हवेली में वही होगा जो हम चाहेंगे, और आप अपने बेटे को यह बात अच्छी तरह समझा दीजिए कि इसकी बात मानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी बात मानना इसका फर्ज है। मां, क्या आप भी इन हवेली की गूंगी बहरी दीवारों की तरह डैडी से सहमत हैं? क्या आपके लिए भी एक एक जिंदा इंसान की कोई अहमियत नहीं? ऐसी बात नहीं है कुमार, पर हम लोग किसी और सांचे में ढले हुए हैं। अपने डैडी को बर्दाश्त करना सीखो, मुझे उस मोड़ पर ना खड़ा करो बेटा जिसका एक रास्ता तुम्हारे डैडी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता तुम्हारी तरफ। मैं तुम दोनों में से किसी के बिना जी नहीं सकती। हुजूर, आपने याद किया? हाँ, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें हुक्म दे सकें कि कल का सूरज निकलने से पहले तुम लोग यहां से चले जाओ। इस वफादार खादिम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया सरकार? तुम उस नमक को भूल गए जो सदियों से तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, या शायद तुम ये सोचने लगे कि राज खत्म हो जाने से हम भी खत्म हो गए, या सदियों का पानी पड़ते पड़ते उस नमक का जायका उतर गया है जो कभी तुम्हारी जुबान की इज्जत आबरू हुआ करता था। ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो वो लोग हैं जो नमक हरामी का मतलब तक नहीं जानते। हमने आपके पुरखों के कदमों तले कालीन तो नहीं बिछाए, मगर अपनी लाशें जरूर बिछाई हैं कि उन्हें उन रास्तों पर कदम न रखना पड़े जिन पर अपमान की धूल हो। तो फिर तुम्हारी आंखों ने झोपड़ियों से निकलकर महलों के ख्वाब देखने की बदतमीजी कैसे की? अगर अनजाने में इन आंखों से कोई अपराध हो गया हो तो मैं ये आंखें निकाल कर फेंक दूंगा। बंद करो ये वफादारी का नाटक। तुम अपनी बेटी को आगे करके कुंवर जी को फंसा रहे हो ताकि वफादारी के खेमों से निकलकर इस हवेली में आ सको जहां हमारी आन बान का इतिहास बसा हुआ है। किसी ने
मेरा अपमान करने के लिए मुझे ये गाली दी है सरकार। मेरी रेशमा तो कुंवर जी को जानते भी नहीं। हमें मालूम था कि तुम यही कहोगे। अगर रेशमा कुंवर जी को नहीं जानती तो ये क्या है? ये तस्वीर तो रेशमा की ही है सरकार। और ये तस्वीर कुंवर जी ने बनाई है। अगर तुम्हारी बेटी कुंवर जी को नहीं जानती तो उन्होंने ये तस्वीर कैसे बनाई? ये कोई और लड़की है सरकार। इसका पहनावा तो देखिए, ये तो राजघराने का पहनावा है। पहनावा बदल जाने से सूरत तो नहीं बदल जाती। अब इससे पहले कि हमारा गुस्सा तुम लोगों की कुर्बानियों की कहानी भूल जाए, जाकर अपनी बेटी को समझा दो कि खैमों से निकलकर हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर कदम न रखे, उसे तय करने में जिंदगी खत्म हो जाती है, समझे? तूने हम बंजारों को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सैकड़ों बरसों में पहली बार मेरी रगों में दौड़ने वाले राणाओं के नमक ने मुझे जलील किया है। आज जो कुछ भी मैंने सुना, वो अगर राणा जी के अलावा कोई और कहता तो बंजारों की आन की कसम मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। क्या कहा राणा जी ने? उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं झोंपड़ों में रहकर महलों के ख्वाब देख रहा हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तुझे अपनी बेटी को आगे करके कुंवर जी को फंसाना चाहता हूं। कब से जानती है तू कुंवर जी को? उस दिन समारोह में पहली बार देखा था। झूठ मत बोल। अगर तू उन्हें नहीं जानती थी तो उन्हें देखते ही तूने अपने सर से उदासी की चादर क्यों उतार कर फेंक दी? बिना तुझे देखे ही कुंवर जी ने तेरी तस्वीर कैसे बनाई? आप जानते हैं बाबा कि मैं झूठ नहीं बोलती। ये सच है कि कुंवर जी ने मुझे देखे बिना मेरी तस्वीर बनाई थी, और उस दिन समारोह में उन्हें देखते ही मैंने उदासी की चादर इसीलिए उतार के फेंक दी थी क्योंकि मैं बरसों से अपने सपनों में जिसे देखती थी वो कोई और नहीं कुंवर जी थे। क्या आप बात कर रही है? हाँ बाबा, ये सच है। अब इसके पीछे क्या राज है मैं नहीं जानती। नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। ये बकवास है। हम आज यहां से कूच कर जाएंगे। नहीं बाबा, ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगी। इसका मतलब जो राणा जी ने कहा वो सच है। आप कुछ भी समझिए बाबा, मैं कुंवर जी के बिना नहीं जी सकती। तेरी ये हिम्मत मेरे सामने इस तरह की बात करे? एक बात कान खोल कर सुन ले, आज से अगर तेरी जबान पर कुंवर जी का नाम भी आया तो मैं तेरी जबान काट दूंगा।